हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले हम मैन्योर की बात करेंगे। मैन्योर्स एंड देयर टाइप्स हम मीन्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और सेकंड जो टॉपिक है हम कवर करते हैं सॉयल अमेंडमेंट्स का। सॉयल अमेंडमेंट्स मीन्स सॉयल की रिक्लेमेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। थर्ड हम टॉपिक इसमें कवर करते हैं फर्टिलाइजर्स और उसके टाइप्स। फोर्थ जो है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स आइदर बैक्टीरिया और फंजाई जो है हम एज अ फर्टिलाइजर कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम मेन्योर देख लेते हैं, मेन्योर की डेफिनेशन क्या है। तो मेन्योर क्या होते हैं, दीज आर द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ आइदर एन पी और के। एन क्या होता है, नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। वेन वी अप्लाई टू द सोयल दे प्रोवाइड द प्लांट टू द न्यूट्रिएंट्स। तो हम देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। दीज आर द प्लांट और एनिमल वेस्ट, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसको, प्लांट्स को, व्हेन अप्लाइड टू दी सोयल। तो मैन्योर्स जो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर। और ये जो है लेस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू दी फर्टिलाइजर्स। और ये हमें मैन्योर्स जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं इन दी लार्ज क्वांटिटीज़। आगे हम इनके टाइप्स देखते हैं मैन्योर्स के। मैन्योर्स दो टाइप के होते हैं, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। नाम से पता लग रहा होगा, टाइप्स में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में हम इनको अप्लाई करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लेस प्रोवाइड करेंगे और हम अप्लाई इन लार्ज क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, फर्स्ट वन इज फिम। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर का है फिम। क्या होता है, हमारा फार्म यार्ड मेन्योर। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कंपोस्ट, नाम सुना होगा आपने ये दोनों, फिम एंड कंपोस्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। फार्म यार्ड मेन्योर बेसिकली होता है जो एनिमल का एक्सक्रीटा होता है, एनिमल एक्सक्रीटा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डंग, काउ डंग हो गया, बुफेलो डंग हो गया, या फिर यूरिन। ये दोनों जब हम सोलली जब इनकी बात करते हैं तो जो इन दोनों से जो बनता है हमारा फार्म यार्ड मेन्योर। कंपोस्ट में क्या हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा तो है ही, प्लस प्लांट वेस्ट, प्लस सम अमाउंट ऑफ सोयल। ये जब तीनों मिलके जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं कंपोस्ट। और इनमें डिफरेंस क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर में जो नाइट्रोजन है और जो पी है और जो के है, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द कंपोस्ट। और कंपोस्ट में जो कार्बन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फिम। थर्ड हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योर की। ग्रीन मैन्योर भी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंडर आता है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया फिम, सेकंड इज कंपोस्ट एंड थर्ड वन इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर नाम से पता लग रहा है, ग्रीन मीन्स हम एज अ प्लांट्स को मैन्योर के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ढेंचा हो गया, सन हम्प हो गया। क्या करते हैं हम इनको, हम जैसे इस साल करंट जो सीजन है उसमें हमने इनको ग्रो कर दिया हमारे फील्ड में, और ग्रो करके उनको जो स्टैंडिंग प्लांट्स हैं उनको ही मतलब काट के उसी फील्ड में हमने उनको दबा दिया। और नेक्स्ट ईयर जब हम कोई भी क्रॉप लेते हैं उस फील्ड में, कोई भी हमने क्रॉप उगाई, तो उस जो क्रॉप की परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि जो ये ढेंचा हो गया, सन हम हो गया, क्या काम करेंगे ये, दे विल प्रोवाइड दी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन दी अवेलेबल फॉर्म टू दी जो करंट क्रॉप हमारी जो हमने ग्रो की है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गए कुछ ग्रीन मैन्योर्स के एग्जांपल।
पोल्ट्री मैन्योर भी सुना होगा आपने, पोल्ट्री मैन्योर वो भी इसके अंडर आता है। और वर्मी कल्चर सुना होगा, वर्मी कल्चर में क्या होता है, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन और वर्मी मीन्स अर्थवर्म्स, अर्थवर्म के कल्टीवेशन को हम बोलते हैं वर्मी कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जैसे हमारा जो फ्रेशली जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, फ्रेशली जो डंग हो गया या फिर यूरिन हो गया, उसके अंदर अगर हम अर्थवर्म्स को छोड़ देते हैं तो जो जो डंग के अंदर जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके, वो अवेलेबल फॉर्म में तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, अर्थवर्म्स, ताकि जो प्लांट हैं वो इजीली उन न्यूट्रिएंट्स को ले सकें। तो वर्मी कल्चर भी हमारा इसके अंडर ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर्स। कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर्स नाम से पता लग रहा है कि कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर वी विल अप्लाई इन लेस क्वांटिटी एंड इट विल प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू दी फिम दैट बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर। मोर न्यूट्रिएंट्स देगा और हमें इन्हें लेस क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ता है। तो कंसनट्रेटेड के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे, फिश मैन्योर, जो फिश से जो मैन्योर्स बनते हैं, जो फिश के जो मतलब एक्सक्रीटा हो गया या फिर उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हो गए, तो उससे जो मैन्योर बनती है वो किसके अंडर आती है, हमारी कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। या फिर ऑयल केक्स, ऑयल केक्स सुने होंगे, ये दो टाइप के होते हैं, एडिबल ऑयल केक एंड नॉन एडिबल ऑयल केक। एडिबल ऑयल केक में आपने बिनोले सुने होंगे, बिनोले किससे होते हैं, कॉटन सीड केक से। कॉटन सीड केक हो गया या फिर ग्राउंडनट सीड केक हो गया या फिर कोकोनट सीड केक हो गया, ये सब किसके अंडर आते हैं, हमारे ऑयल केक्स के, जो कि एडिबल है। तो नॉन एडिबल के अंदर क्या आएंगे, हमारे नीम केक हो गया या फिर महुआ केक है और कैस्टर केक, ये तीनों केक किसके अंडर आएंगे, नॉन एडिबल के अंदर। और जो हमारा मस्टर्ड केक है वो किसके अंदर आता है, मस्टर्ड सीड केक जो है वो किसके अंडर आएगा, एडिबल केक, ठीक है, एडिबल ऑयल केक्स के। एक बार हम जो बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर्स थे उसके जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन देख लेते हैं। एक बार हमने बात की थी बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर में फिम की, कंपोस्ट की, ठीक है। तो फिम जो है एन पी के, दीज आर दी थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो फिम कितना प्रोवाइड करता है, 0.5%, और फॉस्फोरस कितना प्रोवाइड करेगा, 0.25, एंड के इट विल प्रोवाइड 0.5%। और कंपोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन 0.5%, फॉस्फोरस इट विल प्रोवाइड 0.15%, एंड पोटास इट विल प्रोवाइड 0.5%। तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कई बार क्वेश्चंस में आ जाती है कि फिम जो है नाइट्रोजन कितना प्रोवाइड करता है, फॉस्फोरस कितना करता है या फिर पोटास कितना करता है, और इन दोनों में से कार्बन जो कंटेंट है वो कौन ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो आप टिक करेंगे कंपोस्ट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल अमेंडमेंट्स की, या फिर सॉइल रिक्लेमेशन हम जिसे कहते हैं। सॉइल अमेंडमेंट्स क्या होता है कि बहुत बार मतलब रिपीटेड कल्टीवेशन से सॉइल जो है हमारी अनप्रोडक्टिव हो जाती है, मीन्स उसकी जो क्वालिटी है वो घट जाती है, तो उसे हम फिर से जो है अमेंडमेंट्स करना चाहेंगे, मतलब उसके अंदर सुधार करना चाहेंगे, तो हम क्या क्या केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो गई है, ठीक है, अगर हमारे पास एसिडिक सॉइल है तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो सॉइल है वो,
इट विल बिकम न्यूट्रल सॉइल, क्योंकि जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है सॉइल की वो किस पीएच पे होती है, न्यूट्रल पीएच पे। न्यूट्रल पीएच क्या होता है, पीएच व्हेन 7, और एसिडिक सॉइल मींस एसिडिक सॉइल का पीएच क्या होगा, पीएच लेस देन 7। तो हम क्या चाहेंगे कि ये पीएच जो लेस देन 7 है वो नियर अबाउट कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं फॉर द अमेंडमेंट्स, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये दोनों मटेरियल्स हैं फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये हुई एसिडिक सॉइल की बात। अगर हमारे पास सॉइल है एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉइल को भी हम क्या चाहेंगे कि ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एल्कलाइन सॉइल का पीएच क्या होगा, पीएच मोर देन 7, एंड वी वांट टू चेंज इट इक्वल टू 7। ठीक है, और हम मटेरियल्स कौन कौन से यूज करेंगे फिर इसके लिए, सल्फर या फिर आयरन सल्फर, और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है जिप्सम। फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, दिस इज द फॉर्मूला। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है जिप्सम फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, एंड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल वी विल यूज द लाइमस्टोन। तो ये दोनों जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इस पोर्शन में से कि एल्कलाइन सॉइल या फिर एसिडिक सॉइल्स के लिए हम कौन कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और इनका नाम भी पूछ सकते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम जिप्सम और इसमें करते हैं हम लाइमस्टोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की और उसके टाइप्स की। अभी तक हमने मैन्योर्स की बात की थी, अभी हम फर्टिलाइजर्स देखेंगे। तो मैन्योर्स क्या थे, दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, फर्टिलाइजर्स ये के नेचुरल हो सकते हैं या फिर मैनमेड हो सकते हैं। दीज आर द नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस विच विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट व्हेन वी अप्लाई इन द सॉयल। तो ये क्या होंगे, इनऑर्गेनिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होंगे एक्सेप्ट द यूरिया। और हमारे मैन्योर्स क्या थे, ऑर्गेनिक इन नेचर। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के टाइप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की। स्ट्रेट नाम से पता लग रहा है, वो फर्टिलाइजर्स जो एक जो प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा सिर्फ वो प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जब हम इनको सोयल में अप्लाई करते हैं। जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिया क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन जो है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन देगा प्लांट्स को अगर हम इसको अप्लाई करते हैं। या फिर हमारा SSP हो गया, SSP क्या होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो ये क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस देगा। ठीक है, 16% फॉस्फोरस होता है इसमें। तो ये हमारे क्या हुए, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स वो होंगे विच कंटेन ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। वो कुछ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, या फिर पोटास भी हो सकता है। तो हमारा MOP जो है, म्यूरेट ऑफ पोटास, वो भी इसके अंडर ही आता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें, नाम से पता लग रहा है कॉम्प्लेक्स है। किसका कॉम्प्लेक्स है, जब वो फर्टिलाइजर्स जो कि एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, एक नहीं कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, जैसे कि हमारा DAP है। DAP क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। आप नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं, डाई अमोनियम मीन्स अमोनियम की फॉर्म में क्या देगा, नाइट्रोजन देगा प्लांट्स को और फॉस्फेट।
फॉस्फेट की फॉर्म में क्या देगा? फॉस्फोरस देगा, ठीक है। तो डायअमोनियम डीएपी के अंदर 18% जो है हमारा नाइट्रोजन होता है और 46% जो है फॉस्फोरस होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो दोनों न्यूट्रिएंट्स दिए तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स कौन से होंगे? जब हम फिजिकली मिक्स करेंगे किनको? स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को। जब एक या एक से ज़्यादा जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को हम मिक्स करते हैं फिजिकली, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं मिक्स फर्टिलाइजर्स। जैसे कि हमारा यूरिया हो गया, यूरिया को अगर हम मिक्स करते हैं एसएसपी के साथ या फिर हम मिक्स करेंगे एमओपी के साथ, तो ये जो फाइनली जो हमारा फर्टिलाइजर बना उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर की। कंप्लीट फर्टिलाइजर नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि कंप्लीट फर्टिलाइजर मीन वो फर्टिलाइजर जिसके अंदर जो तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑप्टिमम अमाउंट में होंगे। तो कंप्लीट फर्टिलाइजर में तीनों के तीनों जो हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो तीनों प्रेजेंट होंगे, तो उस फर्टिलाइजर को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट फर्टिलाइजर्स। फिफ्थ की हम बात करेंगे, दैट इज लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर्स होते हैं विच कंटेन लेस देन 25% ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट। 25% से लेस जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लो एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। जैसे कि एसएसपी की अगर हम बात करें, एसएसपी में फॉस्फोरस कितना होगा? 16%, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट की अगर हम बात करें, अमोनियम फॉस्फेट में भी अमोनिया जो है वो कितना होगा? 16%। तो ये दोनों के दोनों जो हैं किसके अंडर आएंगे? हमारे लो एनालिसिस फर्टिलाइजर के अंदर। और सिक्स्थ जो टाइप है वो है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। मोर देन 25% अगर कोई भी फर्टिलाइजर कंटेन करता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को, तो उनको फर्टिलाइजर्स को हम क्या बोलेंगे? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो इसके अंदर हमारे क्या एग्जांपल हो सकते हैं? यूरिया, क्योंकि यूरिया के अंदर क्या होगा? 46% नाइट्रोजन। या फिर हम कह सकते हैं डीएपी, या फिर हम कह सकते हैं एमओपी, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास। डीएपी क्या देगा हमें? फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन, 18% नाइट्रोजन प्लस 46% फॉस्फोरस। तो 46% क्या है? 25% से ज़्यादा है, तो हम इन्हें डीएपी को हम क्या बोलेंगे? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। और एमओपी क्या था? अभी हमने बात की थी म्यूरेट ऑफ पोटास, और ये जो है पोटेशियम कितने परसेंट देता है? 60%, ठीक है, 60% इट विल प्रोवाइड द पोटेशियम टू द प्लांट, सो इट विल कम्स अंडर द हाई एनालिसिस कैटेगरी। तो ये हमारे थे कुछ टाइप्स। अभी हम बात करेंगे एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ कॉमन फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के, मींस नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे नाइट्रेट फॉर्म की, मींस वो फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन देंगे किस फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड टाइप आता है इसमें अमोनियम फॉर्म में, मींस वो फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं किस फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में या फिर अमोनियम फॉर्म में, NH4+। और थर्ड टाइप आता है हमारा अमाइड फॉर्म, मींस वो फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे किस फॉर्म में? अमाइड की फॉर्म में। अमाइड क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा NH2CO NH2। तो ये यूरिया जो है वो सिर्फ अकेला ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जिसमें CH और O तीनों जो हैं हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो आप NH2CO NH2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है, O भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। तो ये एक सिर्फ अकेला ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रेट फॉर्म के जो फर्टिलाइजर्स हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन कितना प्रोवाइड करेगा? 16%। सेकेंड इज द कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट विल प्रोवाइड द नाइट्रोजन, दैट इज 15.5%। नाइट्रेट फॉर्म
देन सेकेंड टाइप इज दी अमोनियम फॉर्म. अमोनियम फॉर्म में सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनियम फॉस्फेट की. अमोनियम फॉस्फेट जो है कितना नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, 16%. किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, अमोनिया की फॉर्म में. नेक्स्ट आता है हमारा अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट जो है हमारा 21% जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में. एंड द थर्ड वन इज द एनहाइड्रस अमोनिया. इट विल प्रोवाइड द मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम. तो 81% कौन देगा, हमारा एनहाइड्रस अमोनिया. फोर्थ आता है हमारा कैन. कैन आपने सुना होगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम. तो ये जो कैन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया की फॉर्म में भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और नाइट्रेट की फॉर्म में भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. और ये कितना प्रोवाइड करेगा, 26%. तो ये हमारे हुए कुछ फॉर्म्स जिस फॉर्म्स में नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को मिलते हैं. सबसे पहले नाइट्रेट फॉर्म्स, मोस्ट कॉमन जो फॉर्म होती है, मतलब जिस फॉर्म में प्लांट जो है नाइट्रोजन को लेता है वो है नाइट्रेट फॉर्म. और जैसे हमारा राइस हो गया, ठीक है, राइस जो है प्रेफर करता है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में. तो हम राइस में हम कौन सी यूज़ करते हैं, या तो अमोनियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं या फिर कैन यूज़ करते हैं. मोस्ट कॉमन कैन और अमोनियम फॉस्फेट दोनों यूज़ करते हैं. और अमाइड फॉर्म में यूरिया तो आपको पता ही है, जो वाइट जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है. और यूरिया हाइग्रोस्कोपिक होता है. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो इट विल गेन दी मॉइस्चर. तो यूरिया जो है सबसे चीपेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का. और ये इसमें कंटेंट कितना होता है नाइट्रोजन का, 46%. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है यूरिया, यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है. सेकंड कैन जो है एनहाइड्रस अमोनिया पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि राइस जो है किस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन लेता है. ठीक है, तो हम राइस में बात करेंगे अमोनियम फॉर्म में. ये प्रेफर करता है राइस अमोनिया फॉर्म को एज कंपेयर टू दी नाइट्रेट. सेकंड हम बात करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की. फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में तीन जो हैं हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं. फर्स्ट वन इज SSP. SSP क्या होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट. सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है कितना परसेंट फॉस्फोरस देगा, 16%. और DSP क्या होगा, ये सिंगल है, S4 सिंगल, D4 डाई एंड T4 ट्राई. तो डाई सुपर फॉस्फेट कितना देगा, 16 का आप डबल कर दीजिए तो 16 × 2 = 32, इट इज डाई सुपर फॉस्फेट. और TSP क्या हो गया हमारा, तो 16 × 3 = 48, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्राई सुपर फॉस्फेट. और इन तीनों में मोस्ट कॉमनली मोस्ट कमर्शियली यूज कौन से करते हैं, हम SSP यूज करते हैं. ये ओल्डेस्ट कमर्शियली फर्टिलाइजर है जो मतलब बहुत पुराने टाइम से कमर्शियल लेवल पे यूज किया जा रहा है, तो दैट इज SSP. थर्ड हम बात करेंगे पोटेसिक फर्टिलाइजर की. पोटेसिक मीन्स के, ठीक है, ये एक प्राइमरी न्यूट्रेंट है. और सबसे कॉमनली यूज किया जाता है पोटेसिक फर्टिलाइजर, दैट इज MOP. MOP इज म्यूरेट ऑफ पोटास. म्यूरेट ऑफ पोटास कितना परसेंट जो है पोटेशियम देगा, 60%. सेकेंड आता है सल्फेट ऑफ पोटास. सल्फेट ऑफ पोटास कितना देगा, 48%. एंड थर्ड वन इज द पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट कितना देगा हमें पोटास, दैट इज 44%. तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो क्वेश्चन पूछते हैं पोटास में से, तो MOP पूछ लेंगे. MOP या तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या फिर ये कितना परसेंट फॉस्फोरस, सॉरी पोटास देगा, ये पूछ सकते हैं. फॉस्फोरस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं SSP पे या फिर TSP पे. इनकी वैल्यूज पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट फॉस्फोरस ये देते हैं. और नाइट्रोजन में से क्वेश्चन आता है, या तो एक तो यूरिया का आता है, या फिर ये पूछ लेंगे कि कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो अमाइड फॉर्म में है या फिर अमोनिया की फॉर्म में है, या फिर कौन से जो क्रॉप्स हैं वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेना प्रेफर करेंगे. जो हमारे जो ये वीट है, बार्ले है, मेज है, सोरगम है,
बाजरा हो गया, ये सब जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये सारी क्रॉप्स किस फॉर्म में लेना प्रेफर करेंगे? दे विल प्रेफर दी नाइट्रेट फॉर्म। और जो हमारी जो ये ज़्यादा वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स हैं, जैसे हमारा राइस हो गया, ये किस फॉर्म को प्रेफर करेंगी? अमोनियम फॉर्म को। तो ये पूरा जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं ओल्डेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जो कि बेस्ट होता है टॉप ड्रेसिंग के लिए, किस क्रॉप में? राइस के बात करें हम तो दैट इज अमोनियम सल्फेट। और जो कैन अभी हमने बात की थी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं? किसान खाद के नाम से ये बहुत फेमस है, इसको हम नाइट्रोचाक भी बोलते हैं, ठीक है। और जो यूरिया है हमारा, वो बहुत चीपेस्ट सोर्स है और ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और इट इज़ सुटेबल फॉर दी फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे क्या होता है? जब हम सिर्फ इन केमिकल्स के फॉर्म में जब हम स्प्रे करते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में हम जब स्प्रे करते हैं, तो इट इज़ सुटेबल फॉर दी फोलियर स्प्रे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओल्डेस्ट कमर्शियल जो फर्टिलाइजर है, सबसे पुराना जो कमर्शियल फर्टिलाइजर है, वो कौन सा है? दैट इज SSP। SSP इज सिंगल सुपर फॉस्फेट। और फर्टिगेशन के लिए सबसे जो सुटेबल फर्टिलाइजर है, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिगेशन दो वर्ड से बना है। फर्टिगेशन इज फर्टिलाइजर व्हेन वी मिक्स द इरिगेटेड वाटर विद द फर्टिलाइजर। उस मिक्सचर को हम बोलते हैं फर्टिगेशन, और ये हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स में। तो सबसे जो सुटेबल है फॉर फर्टिगेशन, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स की। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज करते हैं? स्लो रिलीज नाम से पता लग रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे जो है रिलीज करें, तो हमें इनकी क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे हमने यूरिया है, इंस्टेंटली हमने प्लांट्स को अप्लाई किया, तो जितना यूरिया हमने अप्लाई किया वो उतना तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे प्लांट्स। तो हमारा जो 46% जो नाइट्रोजन यूरिया ने दिया, तो एज इट इज़ जो 46% कंज्यूम ना करके प्लांट्स कुछ कंज्यूम करता है। जैसे सपोज आपने सपोज किया 20% जो है प्लांट्स ने कंज्यूम किया, जो बाकी का जो 26% बचा वो वेस्ट हो गया किस फॉर्म में? लीचेट्स के फॉर्म में। लीचेट्स क्या होते हैं? जब सोयल के नीचे जब लीचिंग हो जाती है, मींस उस केमिकल की लीचिंग हो जाती है सोयल के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर मिक्स हो जाता है जो केमिकल, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लीचिंग। तो हमने अप्लाई तो कितना किया था? 46% किया था। प्लांट्स को कितना मिला? 20% मिला। तो 26% जो है वेस्ट चला जाता है। तो उस ताकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फुली अवेलेबल हो सके, पूरा का पूरा 46% अवेलेबल हो सके, तो इसके लिए हम जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम कोटिंग कर देते हैं किसकी? सल्फर की या फिर नीम की। तो नीम कोटेड यूरिया हम यूज़ करेंगे या फिर सल्फर कोटेड यूरिया हम यूज़ करेंगे, ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो और प्लांट्स को पूरा जो है 46% अवेलेबल हो सके। सेवन्थ हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स की। हमने बात की थी जो राइस है, राइस किस फॉर्म में लेता है नाइट्रोजन को? अमोनिया के फॉर्म में। तो नाइट्रेट फॉर्म में अगर नाइट्रोजन का कोई भी हमने फर्टिलाइजर हमने अगर अप्लाई किया है, तो अगर नाइट्रेट फॉर्म में देगा तो उसका तो कोई फायदा नहीं है राइस में, क्योंकि राइस सिर्फ लेता है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में। तो अगर नाइट्रेट अगर बन जाता है, नाइट्रेट फॉर्म अगर बन जाती है, तो उस फॉर्म को इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स यूज करते हैं। तो ये इनके एग्जांपल हैं, दैट इज थायूरिया, या फिर आपका नीम केक हो गया, या फिर एक नाम और है फर्टिलाइजर का, दैट इज एनसर्व। तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल आपको याद करने चाहिए, थायूरिया या फिर नीम केक। और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स में क्या होंगे? यूरिया की कोटिंग किस किस से? सल्फर से और नीम से। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने बात की थी राइस की। राइस में मेनली जो फर्टिलाइजर है टॉप ड्रेसिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है? अमोनियम सल्फेट। किसान खाद के नाम से हम कौन सा फर्टिलाइजर्स फेमस है? दैट इज़ कैन। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो कि चीपेस्ट है, दैट इज़ यूरिया। और ओल्डेस्ट कमर्शियल फर्टिलाइजर है, दैट इज़ SSP। और फर्टिगेशन के लिए सुटेबल है, दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट।
एंड दीज आर दी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स, दैट इज सल्फर कोटेड यूरिया एंड नीम कोटेड यूरिया। एंड नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल हैं एनसर या फिर थाई यूरिया या फिर नीम केक। अभी हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स की। बायो फर्टिलाइजर्स नाम से पता लग रहा है आपको, बायो मीन्स कोई भी लाइव सेल्स। लाइव सेल्स क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। तो वो जो बैक्टीरिया या फंजाई हम यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, तो देख लेते हैं एक बार। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया या फिर फंजाई जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स की किस में, इन द एफिशिएंट अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे, एनपीके के न्यूट्रिएंट, जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एफिशिएंट अपटेक में हेल्प करते हैं कौन, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन से, बेसिकली फंजाई और बैक्टीरिया। तो देख लेते हैं पहले नाइट्रोजन फिक्सर्स जो हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री लिविंग की। तो फ्री लिविंग में सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक की। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होंगे जो कि सर्वाइव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। तो एरोबिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं एजोटोबैक्टर और एनावेना। एनारोबिक का एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम। एनारोबिक मींस विच कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। थर्ड है हमारा फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बेसिकली तो एरोबिक होते हैं, मींस वो बेसिकली क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, बट अगर उनको एयर नहीं भी मिलती तो भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो इसका एग्जांपल है क्लैबसिला। सेकंड आता है हमारा सिम्बायटिक। ये थे तीनों के तीनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया। सिम्बायटिक क्या होता है, सिम्बायटिक एसोसिएशन होती है बैक्टीरिया की प्लांट के रूट्स के साथ, ठीक है। तो सिर्फ सिम्बायटिक एसोसिएशन में वो सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं करते। जैसे कि राइजोबियम हो गया, फ्रेंकिया हो गया, ये सिम्बायटिक एसोसिएशन में सर्वाइव करते हैं और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये थे कुछ नाइट्रोजन फिक्सर्स की बात की हमने, फ्री लिविंग और सिम्बायटिक, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर्स की। फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर्स हमने क्यों नाम लिया, सोल्यूबलाइजर्स का मतलब होता है कि जो फॉस्फोरस है इन अवेलेबल फॉर्म में पड़ा है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जो फॉस्फोरस है हमारा, उसको जो है अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर्स। तो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर्स के अंदर आते हैं हमारे बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया कौन कौन से होंगे, शूडोमोनास या फिर बेसिलस सबटेलिस, और फंजाई कौन कौन से होंगे, पेनिसिलियम स्पीसीज या फिर एस्परगिलिस। थर्ड जो आता है हमारा फॉस्फोरस मोबिलाइजर्स, ये भी फॉस्फोरस को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंडर आता है मेनली माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, एक म्यूचुअल एसोसिएशन होती है किसकी, फंगस की। जो फंगस की जो माइसीलिया होती है, फंगस की ये जो माइसीलिया होते हैं किसके साथ एसोसिएशन बनाते हैं, प्लांट्स के रूट के साथ, ठीक है। प्लांट की जो रूट्स के साथ इनकी फंगल एसोसिएशन होती है, दोनों की म्यूचुअल एसोसिएशन होती है, तो उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं हम, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जो ये एसोसिएशन है वो दो टाइप की हो सकती है, एक्टोमाइकोराइजा एंड इंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, जो ये फंगस की जो ये माइसीलिया है, जो फंगल माइसीलिया है, वो एक एसोसिएशन बनाएगी कहाँ पे, राइजोस्फियर, जो प्लांट की रूट्स हैं उसके बाहर बाहर एक एसोसिएशन बनाएगी, या फिर जो प्लांट की रूट्स हैं, रूट्स के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस में, मींस सेल के जो बीच में जो स्पेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस में एक बार एनलार्ज्ड व्यू देख लेते हैं। सपोज ये हमारे रूट्स के सेल हैं, तो रूट्स के सेल के बीच में अगर एसोसिएशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एंडोमाइकोराइजा। सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते क्योंकि ये एक्टो है, एक्टोमाइकोराइजा। इंटरसेलुलर स्पेस में एक नेट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, हार्टिग नेट। हार्टिग नेट इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसके अंडर आते हैं हमारी बेसिक जो फंजाई हैं, बेसिडियोमाइकोसाइट्स या फिर एस्कोमाइकोसाइट्स। और आप एग्जांपल के तौर पे याद कर सकते हैं इसमें एमेनिटा। तो एक्टो
माइकोराइजा क्या बनाएंगे, हार्टिग नेट बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, इंटरसेलुलर स्पेस में, ठीक है। और जो एंडोमाइकोराइजा है, एंडोमाइकोराइजा नाम से पता लग रहा है, एंडो मीन्स अंदर, सेल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, वो माइसीलियम जो कि सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहां पे उसकी एसोसिएशन बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। और इसका फेमस एग्जांपल है एएम फंजाई, हम बोलते हैं एएम का कई बार डेफिनेट, इसका जो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एएम फंजाई की, एएम का मतलब है आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, आर्बिस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। तो आर्बिस्कुलर माइकोराइजल फंजाई क्या है, एंडो है, एंडो माइकोराइजा। ये कहाँ पेनिट्रेट करेगा, सेल के अंदर पेनिट्रेट करती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडो माइकोराइजा।